Good morning friends, today we will design circular water still tank. Sorry, this question is given in many times in RTU exam, university exam. Question is, design elevated still water tank with hemispherical bottom with 160,000 liter capacity of tank with a conical roof. The ring beam of the height of the 10 meter from the ground level. The tank is to be a building Delhi. तो इसमें आपको जो टैंक की लोकेशन है वो डिफाइन कर रखी है, जो कि अपन को बाद में विंड लोड कैलकुलेशन करने के अंदर काम आएगा. कैपेसिटी अपन को गिवन दे रखी है, हाइट दे रखी ग्राउंड लेवल से अपन को, और कॉनिकल रूफ उसके अंदर प्रोवाइड करना है. तो सबसे पहले अपन इसके अंदर स्टेप्स देख लेते हैं, इसके स्टेप्स क्या है. तो फर्स्ट स्टेप इसका है कैलकुलेशन हाइट्स एंड डायमीटर ऑफ टैंक. सेकेंड स्टेप थिकनेस ऑफ द प्लेट, सिलेंड्रिकल सेल एंड हेमिस्फेरिकल सेल. इन दोनों के लिए अपन थिकनेस डिटरमाइन करेंगे, जो कि मैं आगे आपको अभी क्वेश्चंस में बताऊंगा. थर्ड स्टेप के अंदर डिजाइन द कनेक्शंस बिटवीन प्लेट्स फॉर सिलेंड्रिकल सेल एंड फॉर हेमिस्फेरिकल सेल. फोर्थ स्टेप डिजाइन इज कनेक्शंस बिटवीन हेमिस्फेरिकल सेल और सिलेंड्रिकल बॉटम. फिफ्थ स्टेप इज डिजाइन सर्कुलर ग्रडर. इसके लिए अपन लोड कैलकुलेशन करेंगे और सेकेंड में कैलकुलेशन फॉर सीए फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. सर्कुलर जो गडर होगी उसके लिए अपन ये डिजाइन करेंगे. सेवन्थ स्टेप जो है अपना लास्ट, वो है कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड. तो सबसे पहले अपन डिटरमाइन ऑफ हाइट एंड डाया ऑफ वाटर टैंक को डिजाइन करते हैं. तो टैंकर का टैंक का वॉल्यूम अपन को 160,000 लीटर में दे रखा है, जो क्यूबिक मीटर के अंदर अपन इसको कन्वर्ट कर दिया अपन ने. तो अपने पास 160 मीटर क्यूब अपने पास में वॉल्यूम फाइंड हो गया, क्योंकि अपन आगे मीटर के अंदर कैलकुलेशंस करेंगे. तो इस यूनिट को कन्वर्ट कर लिया. अब अपन को इसमें हम लोगों को दो कंडीशंस को देखना है. अगर वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन 45,000 है तो अपन को H इक्वल टू D लेना है. अगर वॉल्यूम लेस देन 45 या इक्वल टू है तो अपन को H है वो 0.8 D लेना है. लेकिन अपने पास में ये कंडीशन या परफेक्ट है तो अपन इसमें H इक्वल्स टू D अपन यहाँ कंसीडर करेंगे. अब अपन H को 2R एज्यूम कर सकते हैं डाया. तो अपन का वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई R क्यूब. ये अपने पास सर्कुलर का फॉर्मूला हो गया और ये हेमी स्पेरिकल के लिए अपने पास में पोर्शन का फॉर्मूला हो गया. तो सर्कुलर के लिए पाई की वैल्यू 3.142 होती है. आर स्क्वायर की वैल्यू अपन को ऑलरेडी सभी पता नहीं जो अपन फाइंड कर रहे हैं. वी की वैल्यू हमने मैंने यहाँ 160 पुट कर दिया है. 2/3 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू अपने पास में नहीं है. तो अपने पास में ये आर की वैल्यू यहाँ पे 2.67 मीटर फाइंड आउट हो गई है. अब हम लोग क्या करेंगे कि D इक्वस टू H होता है तो D इक्वस टू 2R भी होता है. तो अपन क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2.67 कर देंगे. तो अपने पास में ये D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. तो D की वैल्यू ये अपने पास फाइंड आउट हुई, जिसको अपन को याद करना है क्योंकि तो आगे कंटिन्यूसली यूज होगी. अब D इक्वल टू H होता है, लेकिन अब जो अपने पास में हाइट जो है उसमें अपन ये कॉनिकल रूप है, यहाँ अपन कुछ फ्री बोर्ड अपन कंसीडर करते हैं. तो उस फ्री बोर्ड को मैंने 100 mm कंसीडर कर लिया. जनरली अपन वाटर टैंक के लिए फ्री बोर्ड इतना कंसीडर करके चलते हैं. मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और उसको डी जो एच इक्वल्स टू अपना डी है उसके अंदर अपने डी के अंदर मैंने ये वैल्यू को ऐड कर दिया. तो अपने पास में न्यू एच की न्यू वैल्यू है वो 5.44 मीटर फाइंड आउट हो गई. तो इन दोनों वैल्यू को अपन को रिमाइंडर रखना है नेक्स्ट स्टेप्स के लिए.
अब स्टेप नंबर सेकंड, अपने पास में थिकनेस ऑफ द प्लेट ऑफ सेल फॉर सिलेंड्रिकल सेल एंड हेमिस्फेरिकल के लिए। तो अपन पहले सिलेंड्रिकल सेल के लिए करेंगे, तो उसके लिए जो टीसी होता है, टीसी इक्वल्स टू गामा डब्लू इंटू एच इंटू डी अपॉन टू नीटा सिग्मा एटी। सिग्मा एटी होता है अलाउबल परमिसिबल डायरेक्ट टेंशन, जिसको एफ एन से भी अपन डिफाइन करते हैं। यह आपके पास में आईएस 800 2007 के अंदर डिफाइन कर रखा है अलाउबल परमिसिबल डायरेक्ट टेंशन, जिसको आप वहां से फाइंड आउट करके निकाल सकते हो। और गामा डब्लू जो अपना पास में है, ये अपना यूनिट वेट ऑफ वाटर है। यूनिट वेट ऑफ वाटर अपने पास में 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, जिसको मैंने न्यूटन पर एमएम क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अपने पास एच और डी भी है, वो मीटर के अंदर है, इन सबको अपन एमएम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो एच की वैल्यू अपने यहाँ 5.44 पुट कर दिए, डी की वैल्यू अपने 5.34 पुट कर दिए, मैंने इसको एमएम में कन्वर्ट करने इसको 10^-6 कर दिया, उसको 10^+ कर दिया। टू की वैल्यू अपने 2 है ये, और नीटा की वैल्यू एक्चुअली अपन ये जो वैल्यू है ये अपन यहाँ पर रिविट प्रोवाइड कर रहे हैं। रिविट के लिए जो इफिशियंसी होती है उसको 70% अपन कंसिडर करते हैं, और बोल्ट के लिए अपन जनरली 65% अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर रिवेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपन इसकी एफिशिएंसी 70% लेते हैं, जिसको मैंने 0.70 लिख दिया। अलाउबल परमिसेबल डायरेक्ट टेंशन है, उसका फॉर्मूला 0.6 FI होता है। तो ये यहाँ पर FI की वैल्यू 250 होता है, ये 150 के अराउंड आता है, मैंने 120 ले लिया इसको, आप 150 भी कंसिडर कर सकते हो, तो 100 से 150 के अराउंड आप कंसिडर कर लेना। तो आपके पास में जो TC है सिलेंड्रिकल के लिए, वो आपके पास में 1.69 mm डिटरमाइंड होगी। इसके लिए अपन TC के अंदर 1.69 के अंदर प्लस 1.5 mm अपन कोरोजन अलाउंस इसके अंदर ऐड करेंगे, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 3.19 आ जाएंगी। ये 1.5 जो है ये क्लोज नंबर 10.2 IS वाटर का एक कोड है, IS 805/1968। इस कोड के अंदर अपने पास में दे रखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास देखो, यहाँ पे एडिशनल थिकनेस ऑफ 1.5 एडेड टू ए कैलकुलेट थिकनेस। ठीक है, जो कैलकुलेट थिकनेस हुई उसके अंदर अपन कोरोजन के कारण जो इफेक्ट्स आता है उसके अंदर, तो उसको अपन 1.5 mm उसके अंदर ऐड कर देंगे अपन, तो अपने पास में एक न्यू वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ऐसे अपने पास में ये वैल्यू जो 3.19 अलग, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशंस और अपने पास में है, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन जो वैल्यू अपने पास 3.19 जो अपने पास फाइंड आउट हुई, तो अपन को मिनिमम जो है वो 6 mm कंसिडर करने पड़ेगी एज पर कोड। तो अपन यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो मिनिमम नॉट लेस देन 60 mm अडोप्टेड TC वैल्यू, तो अपने पास में मिनिमम वैल्यू अपने 6 mm होगी एज पर कोड के अकॉर्डिंग। अब अपन हेमिस्फेरिकल पोर्शन के लिए अपन डिजाइन करेंगे, तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन के लिए TS की जो फॉर्मूला होता है वो उसी फॉर्मूले से अपने पास ये नया फॉर्मूला हो जाएगा, गामा डब्लू एच प्लस डी अपॉन टू इंटू डी अपॉन फोर नीटा सिग्मा एटी। तो अपने यहाँ पे आप गामा जो वैल्यू है अपने पास में पुट कर दी, वाटर का यूनिट वेट, एच की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी अपने यहाँ पे, और ये डी की वैल्यू, और इसको अपने कैलकुलेट किया, तो अपने पास TC आया वो 1.26 mm आया, जिसके अंदर अपन कोरोजन अलाउंस में ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू अपने पास 2.69 आएगा। लेकिन अपन का मिनिमम जो कंसिडर है वो 6 mm अडॉप्ट करनी है, तो ये 6 mm से अपने पास में लेस है, तो अपन को मिनिमम 6 mm यहाँ पर कंसिडर करनी, तो TS की वैल्यू भी अपने पास में
6 mm फाइंड आउट होगी। तो अपने पास सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल के लिए जो थिकनेस है वो 6 mm दोनों के लिए अपने पास में डिटरमाइन हो गई। अब अपन स्टेप नंबर 3 में चलते हैं, जिसमें डिजाइन दी कनेक्शन बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में डिजाइन कनेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए चलते हैं। तो उससे पहले अपन को हुप स्ट्रेस निकालना होगा। तो हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू एच इंटू डी अपॉन टू, या पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ रखे हैं। तो आपने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट की, तो अपने पास हुप स्ट्रेस जो है वो 142.44 डिटरमाइन हुआ है। तो इस ये अपने पास हुप स्ट्रेस निकल गया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसकी रिविट वैल्यू निकालेंगे। तो अपन को इससे पहले रिविट अज्यूम करना पड़ेगा कि अपना रिविट जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने mm का है। तो हमने यहाँ पे 16 mm का रिविट कंसिडर किया है। तो उसका होल डायमीटर क्या हो जाएगा, तो 16 + 1.5 एज पर IS 800 के अंदर आप कनेक्शंस के अंदर जाके आप देख सकते हो। तो अपने पास में न्यू वैल्यू होल डायमीटर की 17.5 mm अपने पास फाइंड हो गई। उसके बाद में अपनी स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, रिविट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए अपने पास दो फॉर्मूला है। एक है पाई बाई 4 होल डायमीटर का स्क्वायर इंटू 80% ऑफ द FS। FS है अपने पास शियर फोर्स, जिसको अपन एक बार अज्यूम कर लेंगे 100। तो अपने पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास 19.242 किलो न्यूटन शियर स्ट्रेंथ फाइंड हो जाएगी फॉर रिविट। अब बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो होल डायमीटर इंटू थिकनेस इंटू 80% ऑफ द टॉप आए, तो उसको अपन कंसिडर कर लेते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ एक बार 300। तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी बियरिंग स्ट्रेंथ की वो 25.2 किलो न्यूटन आएगी। तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उस वैल्यू को अपन कंसिडर करेंगे। तो आरवी की वैल्यू जो अपने पास में 19.42 किलो न्यूटन फाइंड आउट होगी। अब अपन पिच कैलकुलेशंस करेंगे। पिच कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है PT इक्वल्स टू आरवी अपॉन हुप फोर्स या हुप स्ट्रेस। तो अपने पास आरवी की वैल्यू 19.42 थी और हुप फोर्स जो अपने अभी लास्ट स्टेप में फाइंड आउट किया था वो 142.488 है। तो अपने पास जो पिच कैलकुलेट हुआ है वो अपने पास 135 mm फाइंड आउट हुआ है। तो अब चेक करेंगे अपन पिच मिनिमम और पिच मैक्सिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो पिच मिनिमम की वैल्यू के लिए अपने पास में कोड में प्रोविजन दे रखा कि 2.5 इंटू होल डायमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना पिच जो मिनिमम इतना होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये 17.5 होल डायमीटर की वैल्यू पुट करके हमने 43.75 mm पिच मिनिमम पिच फाइंड आउट किया है। मैक्सिमम के लिए चेक किया तो मैक्सिमम के लिए 10T की ये फॉर्मूला है जो कोड में प्रोवाइड कर रखा है, जो आप कनेक्शन में प्रीवियस स्टील स्ट्रक्चर फर्स्ट के अंदर आप पढ़ चुके हैं। तो अपने पास में मैक्सिमम है वो 60 mm फाइंड आउट हुआ है, लेकिन अपनी वैल्यू 135 आ रही है। तो अपन मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर करेंगे तो अपने पास जो पीटी पिच की जो वैल्यू आई वो 60 mm अपन कंसिडर करके चलेंगे। इसी तरह से अपन फॉर हेमिकर स्पिकल पोर्शन के लिए अपन निकालेंगे। इसके अंदर रेडियल स्ट्रेस लगेगा, तो रेडियल स्ट्रेस के लिए अपन क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला सेम का सेम उसी फॉर्मूले से फाइंड आउट हुआ है। यूनिट वेट ऑफ वाटर एच प्लस डी अपॉन टू इंटू डी अपॉन फोर, सारी वैल्यू अपन पुट करेंगे तो अपने पास रेडियल जो फोर्स था अपने पास में स्ट्रेस जो फाइंड आउट हुआ है वो 106.911 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अपने पास आरवी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अपन पिछले स्टेप्स के अंदर रिविट्स के लिए निकाल चुके हैं। तो पिच कैलकुलेशंस करेंगे इसमें, तो आरवी अपॉन आरएफ होता है, आरएफ की वैल्यू अपनी अभी अपने फाइंड आउट की है हेमिस्फेरिकल के लिए। तो अपने पास जो पिच फाइंड आउट हुआ 181 mm हुआ फॉर रिविट। तो इसके लिए भी आप मिनिमम और मैक्सिमम चेक करोगे तो यही फॉर्मूले से चेक करोगे तो अपने पास ये पिछली जो वैल्यू आई थी ये वैल्यू आई, तो अपने आप पीटी मैक्सिमम फॉर हेमिस्फेरिकल के लिए 60 mm पिच कंसिडर करेंगे। स्टेप नंबर 4 है डिजाइन दी कनेक्शंस बिटवीन हेमिस्फेरिकल सेल टू सिलेंड्रिकल बॉटम। अब इस स्टेप के अंदर सबसे पहले अपन लोड कैलकुलेशंस करेंगे। तो लोड कैलकुलेशंस के लिए अपन सबसे पहले वेट ऑफ वाटर निकालेंगे।
तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा, तो वेट ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपके पास में टैंक है और ये इसका बॉटम है हेमिस्फेरिकल, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है और ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, ये हेमिकर और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो वॉल्यूम निकालना है वो पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला होता है और हेमिस्फेरिकल के लिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है और इसको अपन यूनिट वेट वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा उस टैंकर के अंदर क्या होगा, तो वेट ऑफ वाटर अपने फाइंड आउट हो जाए। तो ये जो चीज़ है ये अपने पहले वैसे एग्जाम में अपन गिवन है लेकिन अपन आर की वैल्यू अपने फाइंड आउट की तो अपना न्यू वॉल्यूम अपन को ये 161.30 फाइंड आउट हुआ और उसको यूनिट वेट से अपने मल्टीप्लाई पाई किया तो अपने पास डब्ल्यू वन, मैं इसको नेम दे देता हूँ, तो अपन हम लोगों के पास में 1586.48 किलो न्यूटन वेट प्रोवाइड हुआ वेट फॉर वाटर के लिए। इसी तरह से अपन लोड कैलकुलेशन के अंदर सेल्फ वेट ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल के लिए निकालेंगे, इसका अपन सेल्फ वेट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सेल्फ वेट फाइंड आउट करने का होता है वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में क्या है, सेल्फ वेट ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉटम निकाल रहे हैं अपन, सेल का बॉटम निकाल रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πh/2 का स्क्वायर इंटू TS, TS होती है थिकनेस ऑफ दी हेमिस्फेरिकल सेल जो कि अपने प्रीवियस स्टेप्स के अंदर अभी फाइंड आउट किया था। और ये है अपने पास यूनिट वेट ऑफ स्टील जो कि आपको याद होना चाहिए, यूनिट वेट ऑफ स्टील। तो अपने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट की, 2π की वैल्यू पुट की और डी की वैल्यू अपने पुट की, सॉरी एच की वैल्यू अपने पुट की 5.44 और ये अपना डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इंटू ये mm के अंदर 6 mm में था, अपन ने इसको मीटर में कन्वर्ट किया और ये 78.50 यूनिट वेट होता है किलोमीटर पर मीटर क्यूब के अंदर। तो अपने पास जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है 21.6 किलो न्यूटन हुई सेल्फ वेट ऑफ हेमिस्फेरिकल के लिए, सेल के लिए। अब इसके अंदर क्या 10% अपन इसका एक जॉइंट आता है सर्कुलर के लिए और हेमिस्फेरिकल बीच में, तो उसका 10% अपन ऐड कर देते हैं। तो 21.6 का 10% ऐड करेंगे 2.16 किलो न्यूटन जॉइंट के लिए अपने पास में वेट आ गया। तो अपने पास टोटल लोड हो जाएगा वाटर वेट प्लस हेमिस्फेरिकल और उसका 10% जॉइंट का, तो ये अपने पास में एक हेमिस्फेरिकल के लिए ये लोड फाइंड आउट हो जाता है कि उसके बॉटम में कितना लोड आएगा सेल पे। अब लोड पर mm ऑफ सर्कमफ्रेंस के लिए देखेंगे तो टोटल लोड अपॉन पाई डी होता है, तो टोटल लोड अपने पास में ये था तो सर्कमफ्रेंस किलोमीटर पर मीटर के अंदर 96.18 किलोमीटर पर मीटर अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा, सिंपल सा है। अब इसके बाद में रिवीट वैल्यू अपने पास में सेम की सेम थी उसके लिए हेमिस्फेरिकल के लिए, इसका पिच देखेंगे तो अपने पास में इसका क्या हो जाएगा, आर वी अपने पास है, लोड पर mm के लिए देखेंगे तो ये अपने पास में 200 mm इसका पिच फाइंड आउट हुआ। इसके लिए भी चेक करेंगे तो अपने पास मैक्सिमम पिच है उसको अपन कंसिडर करेंगे 60 mm, ये जो पहले प्रीवियस आप स्टेप्स के अंदर ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब स्टेप नंबर 5 है डिजाइन कॉनिकल रूफ एंड एंगल। कॉनिकल रूफ जो ये आपका है, ये कॉनिकल रूफ, इसका एंगल और इसका रूफ को अपन डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे, तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अपन एक इंक्लाइनेशन अपन को अज्यूम करना पड़ेगा 1:4, 1:3। तो यहाँ पे जनरली अपन 1:4 अपन इंक्लाइनेशन इसका कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो अब इस किसके लिए ये अपन करेंगे, डी के लिए, ये डी है इसका 1/4 करेंगे, तो 1/4 इसका क्या, तो 1.33 अपन के पास में इसकी हाइट, कॉनिकल रूफ की हाइट अपने पास में डिटरमाइंड हो गई और अपन इसको 30% एंगल मान के चलते हैं इसका। तो ऐसे करके आपने कॉनिकल रूफ की हाइट अपन को फाइंड आउट हो गई। अब थिकनेस ऑफ कॉनिकल रूफ देखेंगे, तो थिकनेस ऑफ कॉनिकल रूफ को मैं TCR लिख देता हूँ, कॉनिकल रूफ, थिकनेस ऑफ कॉनिकल रूफ। तो इसके लिए दो अपने पास में कंडीशंस है कि एच की वैल्यू, जो हाइट ऑफ अपने पास में जो सर्कुलर टैंक है
वो 10 मीटर से अगर कम है तो TCR या इक्वल है तो TCR की वैल्यू अपन 3 मीटर ले लेंगे, और 10 मीटर से अगर हाइट ज़्यादा है, अपने 10 मीटर ही है लेकिन यहाँ पे, तो अपन TCR की वैल्यू 6 mm लेंगे। तो अपन का ये अपना कंसिडरेशन हो गया TCR वैल्यू, मतलब कॉनिकल रूप का जो थिकनेस होगी वो आपके पास में 3 mm फाइंड आउट हो गई है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉप रिंग एंगल डिजाइन करेंगे। तो टॉप रिंग एंगल के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है, जेड रिक्वायर्ड निकालना होगा अपने पास टॉप रिंग एंगल लगाने के लिए। जेड रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है ये 0.0578 d² h इन क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर ये वैल्यू अपन को प्रोवाइड कर रखी है। तो ये आप क्लोज नंबर 14.1 IS 805/1968 पेज नंबर 7 पे जाएंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मैं IS ये आप कोड आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी। तो आप ये देखिए जेड रिक्वायर्ड निकालने के लिए ये फॉर्मूला दे रखा है, इसमें जेड जो है मॉडुलस ऑफ सेक्शन इन क्यूबिक मीटर, डी ए नॉमिनल डायमीटर ऑफ टैंक जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं पहले से ही 5.34, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ टैंक LB इन मीटर ये भी आपने 5.44 अपने फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये वैल्यू सारी अपन इसके अंदर पुट करेंगे, जेड के अंदर तो अपने पास जेड रिक्वायर्ड है वो ये 8.39 × 10³ mm क्यूब के अंदर फाइंड आउट हो गई अपने पास वैल्यू। तो इस वैल्यू से अपन क्या करेंगे, एंगल जो है अपन हैंडबुक के अंदर जाएंगे, हैंडबुक के अंदर अपन इस जेड रिक्वायर्ड के लिए ये एंगल अज्यूम कर लेंगे। तो मेरे पास अभी है नहीं है डाउनलोड की, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे जो न्यू जेड आया अपने पास में 9.5 × 10³ mm³ आया, इसका एरिया आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये इस तरह से अपने पास में एंगल की जो है वो भी डिजाइन हो गया। अब स्टेप नंबर 6 अपने पास में डिजाइन सर्कुलर गटर। तो डिजाइन सर्कुलर गटर जो है वो अपन को डिजाइन करना, तो उससे पहले अपन को अज्यूम नंबर ऑफ कॉलम अज्यूम करने पड़ेंगे। आप 4 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना नंबर ऑफ कॉलम्स प्रोवाइड। तो जनरली 6 mm प्रोवाइड करेंगे अपन लोड के अकॉर्डिंग। तो इससे इसके लिए अपन को वेट ऑफ लिक्विड कंटेनिंग टैंक के वेट निकालना होगा। तो ये जो वेट अपन निकाल चुके हैं और ये अपना यूनिट वेट ऑफ वाटर है, तो ये अपन पहले ही निकाल चुके हैं W1। तो यहाँ अपन ये कंटेनिंग टैंक का वेट निकाल दिया। अब वेट ऑफ स्फेरिकल सेल के लिए निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ स्टील। वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे 2πr² t होता है वैसे, तो मैंने डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशंस करके यहाँ लिख दिया 210.97 kN। आप पाई की, आर की और टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्फेरिकल सेल के लिए। वेट ऑफ दी सिलेंड्रिकल बॉटम, सिलेंड्रिकल बॉटम का वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है π×d×h और थिकनेस ऑफ दी सिलेंड्रिकल बॉटम आपने पहले निकाल चुका है इंटू इसका यूनिट वेट ऑफ स्टील। तो इसके लिए आपने पाई की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू, एच की वैल्यू और ये थिकनेस की वैल्यू, तो ये अपने पास में फाइंड आउट हो जाता है सिलेंड्रिकल बॉटम के लिए। अब वेट ऑफ कॉनिकल रूप, कॉनिकल रूप का वेट अपन निकालेंगे, ये आपने अभी निकाला नहीं है। तो कॉनिकल रूप का वेट निकालने के लिए क्या, πr L × TCR, πr L क्या है इसकी लेंथ क्या होगी इस कॉनिकल रूप की, तो वो अपन फाइंड आउट करेंगे अभी। और उसके अलावा TCR थिकनेस ऑफ दी कॉनिकल जो अभी अपन पीछे निकाल चुके हैं, जो कंडीशन दे रखी थी h लेस देन 10 और ग्रेटर देन 10 मीटर, तो और ये यूनिट वेट ऑफ स्टील है ही अपने पास में। तो अपन इस फॉर्मूले के थ्रू अपन L की वैल्यू निकाल देंगे, L की वैल्यू अपने पास में आ गई, तो ये वेट अपने पास कॉनिकल रूप का वेट आ गया। अब वेट ऑफ सपोर्ट एंगल सेक्शन, सपोर्ट एंगल सेक्शन के लिए निकालेंगे तो लेंथ ऑफ एंगल इंटू वेट पर मीटर, तो एंगल के जो सपोर्ट आएंगे उसका वेट निकाल, तो लेंथ ऑफ एंगल अपने πd लिख दिया और वेट ऑफ
सेक्शन है वो अपन को कोड में एंड बुक में गिवन था, जो अपने 8.5 केजी था पुट कर दिया। तो वेट ऑफ सपोर्ट के लिए अपने पाई डी होता है, इसको अपने इससे मल्टीप्लाई करके अपने 142 केजी निकाल दिया। इसको अपन 9.81 के स्कोर से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू किलो न्यूटन के अंदर आ जाएगी, तो 1.48 किलो न्यूटन अपने पास फाइंड आउट हो गई है। अब नेक्स्ट है कि एड 10% वेट ड्यू टू ए रिवीट और टॉप जॉइंट। टॉप जॉइंट और रिवीट्स के कारण जो 10% वेट है वो एडिशनल अपन ऐड करेंगे ओनली फॉर टैंक बॉडी के लिए। इंक्रीज 10% ऑन टैंक बॉडी। तो टैंक बॉडी के लिए अपने देखो W6 इसको अपन बोल देते हैं वेट, तो इसको 1.1 W2 W3 W4 W2 W3 W4 क्या था, तो W2 अपने पास में यहाँ पे वेट ऑफ स्पेरिकल सेल था, वो तो अपना वाटर का वेट था, वो ऐड नहीं करेंगे। और W3 था वेट ऑफ सिलिंड्रिकल बॉटम, और W4 था वेट ऑफ कॉनिकल रूट। इन तीनों के वेट को अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो W2 W3 W4 का ये अपन 10% निकालेंगे, तो 20 ये अपन मैंने ऐड कर दिया ऑलरेडी, इसके अंदर ऐड करके निकाला है। तो अपने पास जो वेट आया इस टोटल का 10% वेट को ऐड करते हुए 285.7 किलो न्यूटन अपने पास में ये वेट फाइंड आउट हो गया है। तो ये W6 अपने पास फाइंड आउट हो गया। अब सेल्फ वेट ऑफ सर्कुलर गडर, जो सर्कुलर गडर है उसका सेल्फ वेट है निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, W1 जो अपने निकाला था वाटर का लोड, W5 जो सपोर्ट एंगल का वेट निकाला था, इन दोनों को ऐड करके ये एक फॉर्मूला होता है W/300। सर्कुलर गडर का अपन वेट सेल्फ वेट निकालने के लिए आप प्लेट गडर में भी ये पढ़ चुके हो, तो उसके तो वही चीज़ यहाँ सेम की सेम है। तो अपने पास में उसका सेल्फ वेट अपने पास में फाइंड आउट हो गया सर्कुलर गडर का। अब अपन क्या करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस के लिए निकालेंगे इसका मैं फॉर्मूला है W7 5.29। क्या है 5.29, ये अपने पास सेल्फ वेट ऑफ सर्कुलर गर्डन। सर्कमफ्रेंस के निकाल रहे हैं तो इसका पाई डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपने पास में यहाँ आर क्या होगा इनके लिए, तो आर क्या है, आर प्लस थिकनेस। तो आर कैसे निकालेंगे, डी अपॉन टू करेंगे तो अपने पास आर आ जाएगा, आपको पता ही है। और इसकी 100 mm थिकनेस अपन इसको कंसिडर कर लेते सर्कुलर गर्डर की, तो आपके पास में आर जो फाइंड आउट होगा 2.77 फाइंड आउट होगा। तो ये वैल्यू अपन करेंगे तो W7 की वैल्यू अपने पास 245.85 किलो न्यूटन हो जाएगी। तो टोटल लोड अपने पास क्या होगा, आप W1 W5 जो अपन अभी निकाला था यहाँ प्रीवियस स्टेप्स के अंदर, ये सब का ऐड करके ये जो W5 और उसका 10% ऐड करके अपने W6 निकाला था, इन सबको ऐड कर देंगे। W7 अभी निकाला सर्कमफ्रेंस के लिए, तो ये सब लोड को अपन ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल लोड जो जितना भी आ जाएगा वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा सर्कुलर गडर का। तो ये स्टेप कंप्लीट हुआ अपने पास में। अब कैलकुलेशन फोर्स अपन करेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब इसके ऊपर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा उसके लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो उस कैलकुलेशंस के लिए शियर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है W/2N होता है। एक टेबल है आप बुक में भी देख सकते हो, उस टेबल को आपको याद करना होगा। तो W/2N है तो आपकी यहाँ वैल्यू हो जाएगी W/N की वैल्यू अपने यहाँ पे 6 कंसिडर कर रही थी कि W/12 आ जाएगा। अगर आप 4 कंसिडर करोगे तो W/8 हो जाएगा, अगर आप 8 कंसिडर करोगे तो W/16 हो जाएगा। तो इन सब वैल्यू के लिए अलग अलग आपके पास में कॉफिशियंट्स और ये सब आपको टेबल में दे रखे, वो आपको याद करने होंगे। तो आपने पास शियर फोर्स या निकालेंगे तो ये वेट W अपने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया था ये लास्ट प्रीवियस स्टेप्स के अंदर कि कितना लोड आएगा सर्कुलर गर्डर पे, तो उसके कारण से अपने पास में इसका शियर फोर्स फाइंड आउट हो गया। ये आपको याद रखना, शियर फोर्स अब आगे स्टेप में यूज होगा। अब अपन बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट्स पे निकालेंगे तो उसको एम नॉट मैंने दे दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है सी नॉट इंटू WR। ये सी नॉट की वैल्यू जो है ये बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू टॉर्जन, ये तीनों वैल्यू आपको
W by 12 के लिए याद करनी होगी आपको, ये W by 12 के लिए याद करनी होगी, ये टेबल दे रखी है बुक्स के अंदर आपको याद करना, तो इसकी वैल्यू होती है -0.01282। तो ये W की वैल्यू आपने अभी पीछे प्रीवियस स्टेप में निकाला था, और R की वैल्यू आपके पास में ये है, ये उसकी R की वैल्यू जो गडर की R की वैल्यू निकाली, तो आपके पास में सपोर्ट पे ये 87 किलो न्यूटन मीटर आ गया माइनस का, ये माइनस के अंदर सपोर्ट आ रहा आपका, माइनस में बेंडिंग मोमेंट आ रहा। अब बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, सेंटर पे कैसे आएगा, तो यहाँ सेंटर के लिए मैंने ये सी सी इंटू डब्ल्यू आर, तो इसका भी वैल्यू आपको याद रखनी होगी, ये वैल्यू होती है इसकी 0.0751 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू आर की वैल्यू, तो आपके पास में ये सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा है, तो अपने पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपके पास में सपोर्ट्स पे आ रहा है, तो सपोर्ट्स में जो आ रहा है उसको अपन कंसीडर कर लेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 87 किलोमीटर पर मीटर आ रहा है। एट बेंडिंग मोमेंट फॉर टॉर्जन, टॉर्जन का बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, तो सी टी की वैल्यू है, ये भी आपको याद रखनी होगी, तो अपने पास में टॉर्जन के कारण 8.86 किलोमीटर पर मीटर आएगा, जब अब टॉर्जन का चेक लगाएंगे तब ये वैल्यू यूज होगी। अब डिटरमाइन सेक्शंस मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस डिफाइन डिटरमाइन करेंगे इसके लिए, तो जेड रिक्वायर्ड बराबर एम अपॉन सिग्मा बी होता है, तो एम की वैल्यू अभी अपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला था 87 इंटू 10 की पावर 6, और सिग्मा बी की वैल्यू कोड से आप देख सकते हो 0.66 एफ आई इसका फॉर्मूला होता है, तो जेड रिक्वायर्ड अपने पास आ गया। अब लेट अस ट्राई टू एंगल्स, तो एंगल फाइंड आउट करेंगे अपन, तो दोनों तरफ एंगल्स इसके अंदर अपन प्रोवाइड कराएंगे सब यहाँ पे, तो आपने ये इस जेड रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग आपने ये एक कंसिडर कर लिया एंगल हैंडबुक से। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिख दी है आपने, यहाँ पे साहब की प्रॉपर्टी लिखने के बाद में आप चेक फोर्स शेयर कैपेसिटी चेक करेंगे आप इसके लिए, तो चेक फोर्स शेयर कैपेसिटी फॉर टॉर्जन के लिए, तो पहले आपको आई एक्सेस निकालना होगा, तो आई एक्सेस आपने यहाँ पे निकाल दिया, आई एक्सेस तो अपने गिवन दे रखा, जो आपने कंसिडर किया ए भी आपको दे रखा है, और आप ही कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास आई एक्सेस फाइंड आउट होगा, वाई बार आपने निकाल दिया, तो अब आप चेक करोगे कि जेड रिक्वायर्ड है वो आई एक्सेस अपॉन वाई बार होगा, तो ये चेक किया आपने, तो आपका जो जेड रिक्वायर्ड, जो न्यू जेड रिक्वायर्ड है वो इतना है, और आपका रिक्वायर्ड जो था, जो आपने रिक्वायर्ड निकाला था वो आपका ये था, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, जो न्यू जेड रिक्वायर्ड अपना सेक्शन मॉडुलस आ रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो आपने देखा यहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब ये जो सेक्शन आपने लिया है वो सेफ है। अब अपन टॉर्जन स्ट्रेस निकालेंगे, टॉर्जन स्ट्रेस निकालने के लिए क्या होता है, क्यू टी इक्वल्स टू एम टी अपॉन जे इंटू जेड टी मैक्स होता है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस है, सॉरी अपना यहाँ पे ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जे जो अपने पास में है ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एम टी जो अपने पास है मैक्सिमम टेंशन मूवमेंट है, और टी आपका मैक्सिमम थिकनेस है एंगल के लिए, जो कि आप अभी आपने जो कंसिडर किया था सेक्शन उसका, तो आपने मैक्सिमम टॉर्जन के लिए जो बेंडिंग निकाला था वो अपने पास क्या था, 8.86.10⁻⁶, जो अभी प्रीवियस में आपने निकाला था टॉर्जन के लिए, जिसकी वो वैल्यू थी सी टी डब्ल्यू आर से आपने निकाला था, और ये टी आपने लिख दिया, और ये जे आपने आपको ये इस फॉर्मूले से निकालना होगा, समेशन ऑफ 2/3 पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप सॉम में पढ़ रुके तो वहाँ से आप देखोगे तो 2/3 बी टी क्यूब इसका एक फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ से ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास में जे की वैल्यू पुट हो जाएगी, ये पुट करोगे तो आपके पास क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी टॉर्जन स्ट्रेस 107.38 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। थर्ड स्टेप आपके पास में इसी का पोर्शन है, टॉर्जन स्ट्रेस एट टॉर्सनल पॉइंट, तो इसमें क्यू टी की वैल्यू जो है, क्यू टी की वैल्यू आप टेबल देखेंगे आप डब्ल्यू बाई 12 के लिए, तो वहाँ पर 12 डिग्री और 44 मिनट्स होते हैं, तो ये आप टॉर्जन स्ट्रेस है टॉर्जन पॉइंट पे निकालोगे एफ टी की वैल्यू, तो एफ माइनस डब्ल्यू अपॉन 2πr इंटू आर इंटू एफ क्यू टी, इसको मैंने रेडियल में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 1/80 किया, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे तो ये वैल्यू 167.38
4 किलो न्यूटन वैल्यू आ गई है अपने पास में। अब अपन लास्ट स्टेप जो है, ये सब स्टेप्स करने के बाद में स्टोर्जन आप वगैरह आप सब करने के बाद विंड लोड जो है तो लास्ट स्टेप है, उसको अपन डिटरमाइन करेंगे। तो डिजाइन विंड स्पीड अपन सबसे पहले निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है वीबी, वी विंड स्पीड का वीसी इक्वल टू वीबी, वीजेड इक्वल टू वीबी इनटू के वन इनटू के टू इनटू के थ्री, या आप 875 के अंदर पेज नंबर 5 के ऊपर जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे दे रखा होगा। तो आप चाहो तो मैं आपको कोड में दिखा सकता हूँ। ये आपके पास में वी जेट दे रखा है, आपके पास में विंड स्पीड का फॉर्मूला वी बी इंटू के वन इंटू के टू इंटू के थ्री इंटू के फोर। तो आप यहाँ देखिए ये वी जेड है जो आपके पास में है, ये होता है डिजाइन विंड स्पीड एट हाइट। फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर दे रखा है आपके पास में, जो रिक्स कॉपिशेंट जिसको बोलते हैं, टेरेन रफनेस एंड हाइट फैक्टर दे रखा है, और टोपोग्राफी फैक्टर दे रखा है। ये आगे आप टेबल में जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज आपको इस दिल्ली की लोकेशंस के लिए मिल जाएगा। और के है इंपॉर्टेंट फैक्टर, फोर है साइक्लोनिक रीजन, तो रीजन अपन को दे रखा दिल्ली। तो दिल्ली के लिए आप देखोगे तो आपके पास में 47 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। ये आप पेज नंबर 51 पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप इसमें K1 प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, रिक्स कॉपिशेंट जिसको बोलेंगे, या आप K1 की टेबल में जाके देखेंगे तो ये 1 होगा। और K2 है टेरेन रफनेस एंड हाइट फैक्टर, तो अपने पास 10 मीटर हाइट का अपने पास वाटर टैंक है, तो उसके लिए वैल्यू होती है 0.97, ये आगे टेबल में आपके दे रखी है। और K3 है टोपोग्राफी फैक्टर है, टोपोग्राफी फैक्टर 1 है अपना, ऑल जनरल बिल्डिंग्स के लिए 1 होता है। तो ये वैल्यू आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से अपने पास में विंड के लिए ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो वी जेड अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगा 45.59 मीटर पर सेकेंड। अब डिजाइन विंड प्रेशर निकालेंगे अपन इसके लिए, तो यही आप 875 पार्ट नंबर 3 में जाके देखेंगे। तो पी जेड का फॉर्मूला होता है 0.6 वी जेड का स्क्वायर, तो 0.6 वी जेड का आपने वैल्यू रखी तो पी जेड की अपने पास में वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इस डिजाइन विंड प्रेशर भी आपके पास में फाइंड आउट हो गया। तो दोस्तों ये थोड़ा इसका कुछ सर्कुलर गर्डर वगैरह के स्टेप कुछ बड़ा लेंदी है, तो आपको याद रखने होंगे इस सबको। और ये बड़ा ही इजी है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, थैंक यू।